मजाक बना दिया मेरे टाइट को घर को दे रहा है अंकल से लगा दे क्या किरायेदार एकता समिति कब से आना चाह रहे थे ना आप तो इसके नाम तो ले रहे थे काफी टाइम से। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम पहले आपका स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग पे। तो सुबह सुबह हम जा रहे हैं पाइप लेके नीचे सब आई करने बाइक की मच पाइप लगा दिया अरे बाइक की चाबी तो लेके नहीं आई ऊपर से चाबी लेके आता हूँ हम मवी उठ गई वहाँ भैया गर्म ऐसा हो रहा है बाहर आदमी तो आदमी डिवाइस भी हीट होके बंद हो जा रहा है देखो। और महारानी साहिबा यहाँ सोई पड़ी है तो उसे उठाना ही जा रो उसे चाय न दियो जा रो चाय करो बुद्धि लाल तेरी चाय बोल के मेरे को यहाँ सब भागे पर नहीं तो मिठाई जल्दी खत्म कर यार तुम खत्म करो मैं खत्म कर दे रहा हूँ सारी मेरी डाइट को तुमने एक वो कर लिया मजाक बना दिया मेरी डाइट को घर को डब्बे में कंट्रोल होना चाहिए अपने हाथों में ऐसे ऐसे करके जो बड़ो लल्लाते हो वहीं को जाते हो ना उसको कंट्रोल करो। चलो सब्जी खा के आते हैं और चाय भी लेना यार तुमसे चाय मिलती है वहाँ लस्सी भी मिलती है चाय भी मिलती है तुम्हारे लिए इतनी गर्मी में कौन चाय बनाएगा कहीं की महारानी हो हरु गुद्दी लाल। चलो यार एक घंटा लगा देती हूँ हर चीज में सुबह 6 बजे से उठा रहा हूँ मैं इसको 9 बज के 3 घंटे हो गए अब लेट लेट आ रहे मेरे चलो 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 कहने में लगे हो चीटर तुम चीटर को यू आर चीटर को वो है पैर ऐसे हो रहे ना हार्ड पत्थर जैसे लेते तुम कोई ना चप्पल पहन लो वो पानी की बोतल वहां रखिए अब देखो ऑन करता है ये किरायेदार को दे रखा है मेरे भाई जितना बिल आया उतना भर मैं मतलब भाई अंकल से लगा रहे क्या किरायेदार एकता समिति किरायेदार एकता समिति यस तो आप खुद मकान मालिकों के किराएदारों के तो समाजसेवा है भाई साहब बहुत बढ़िया ये तो अच्छी बात ये तो कोई भी कर सकता है समाजसेवा जी हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सही बात है कायम होना चाहिए ये तो है व्हाट्सएप से जुड़े हाँ व्हाट्सएप से जोड़ना पड़ेगा आपको नाम नंबर लिखवा दीजिए आप अच्छा उसमें जुड़ जाओगे थोड़ा ठीक है ठीक है ठीक है और इसमें जो भी सुविधा कैंप वगैरह लाएंगे उसके सारे मैसेज आ जाएंगे आप ठीक है तो आपसे सारी सुविधाओं का लाभ आप भी उठाएंगे सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ठीक है तो किराएदारों के लिए उन्होंने पहल कर दी किराएदारी होगा मकान मालिक कैसे होगा गरीब मकान मालिक जाएगा अपनी चार व्हीलर अपनी गाड़ी से जाएगा बोले बेचारे की हालत ऐसी हो रही की ना कहते कहते हमें निकलना पड़ रहा है हायतवा लगी हो रही हमारी पता नहीं कब तक हमारा फाइनल होगा शादी बताओ ना वक्त साहब जल्दी उतरो उतरो करके पीछे बढ़िया देते हैं बोले आपने आप आ गए देखते मेरी मां जी चाहिए ना ड्यूक के चाहते मैं कोट करो ठीक पता चल था आगे पहुंच जाते ठीक है करती मैं गेट ना गेट बात नहीं तो अभी हम आ चुके हैं केओडी यानी की ऑफ ड्रीम्स ये है इसकी फुल फॉर्म हमें पता नहीं था तो देखते हैं अब यहाँ से शुरुआत करते हैं आई होप कि आज डन हो जाए कोई अच्छा सा लगे कोई पसंद आ जाए बस क्या कैमरे के पीछे बहुत ही सामने बहुत हीरो बन जाते तुम
तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखने जा रहे हैं, जो अभी गई थी मैं नीचे, दाद गए थे आगे के रूम में। कितने पे है? साढ़े पे। वॉशरूम, जे किचन, शुक्रा नहीं मार्केट आ जाती है। इसमें थोड़ा स्पेस सा मेरे को डाउट लग रहा है। रूम नंबर टू ठीक है। ये देखा था क्या? नहीं। है ना, देखा है? फिर कमरे तो इसके बढ़िया लग रहे। लोकेशन चेक कर लो। कह रहा था कि जाते दूंगा ना, देखते पसंद आ जाएगा। कह रहा आप क्या देख रहे हो अभी? लोकेशन पीछे साइड को दिखा, बता दो कि मेट्रो स्टेशन वहां से बस हूँ। इसका वॉशरूम, ये गीजर भी लगा हुआ है, मेरा सब पंखा। अब चलते हैं अगली सुख लोकेशन पे, फ्लैट नंबर 3। आवाज आएगी ना, ऐसे कर रही हूँ। ये दूसरा धाम है। क्या? हाँ, तो हमारी ये पता नहीं यार, मैं भूल जा रही हूँ। बाबू अभी तुम कितने चलेगे? 3 में, ये चौथा है पक्का ना? चौथा, ये क्या है? किचन, ये बंद। अच्छा बंद क्या? अच्छा फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर दोनों साइड से होगा ना इसकी बाहर बालकनी में? नहीं, हाँ सर साइड से। इसके रूम थोड़ा सा छोटा है, बट ये कि ओपन है। अच्छा ये पीछे स्कूल है। हाँ आइए पधारिए। अच्छा ये पीछे स्कूल का ग्राउंड है, है? यूपी वाले अयोध्या का तो पता नहीं कब जाएंगे। इस वाले अयोध्या में इसका किचन देखोगे तगड़ा किचन है, तगड़ा रूम छोटे। लेकिन क्या है, हम गोयल बिल्डर्स के पास और इनकी सर्विस बढ़िया है। इन्होंने बिल्कुल इच्छा पूरी कर दी, टुक टुक करवाया। ये तो बिजनेस आइडिया था मेरा, देखा टुक टुक वाला। 2 मिनट में चोरी हो गई। 2 मिनट में चोरी हो गया, लेकिन बढ़िया है किया है, ताकि अगर कोई फैमिली वैमिली आए तो आराम से इसमें जा सकती है। आंटी गूगल नाम देख कर, फिर वहीं पे लेना ये थे। हाँ, अभी इंस्टाग्राम के हमको मिल गए थे। तो उनका कहना है कि जहाँ जिस सोसाइटी में हमने लिया ना, वहीं देना, वहीं लेना कहते हैं। इसको लेने का ठीक है। तो चलते हैं अभी आगे को और देखते हैं। सब घर में देखने आ रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वाले हेटो पर।
बंद करना गेट। कोकुल धाम सोसाइटी में तो एक बेडरूम ये रहेगा इनसाइड, ये सारी सेल्फ वगैरह यहाँ पे। मैं यही सोची थी मंदिर के लिए, यही कॉर्नर था, मैंने भी कॉर्नर था मंदिर के लिए, मैंने भी हाँ इनसाइड सही है ना, सेफ्टी से अपना हो गया। हाँ सही है, इसमें चिमनी आपकी ऑटोमेटिक रहेगी, ये ऑटोमेटिक वाली है ना, ये भी ऑटोमेटिक है, ऑन ऑफ है। हालत कैसे होगी, तैयार है हमारी बिल्डिंग, अब चलते हैं घर को। नंबर बताओ, मैं अपना नंबर भूल जाती हूँ। तो ये सामने स्कूल, रोज मॉडल स्कूल के पास में ही, तो चलिए बढ़ते हैं घर की तरफ। आप सोचेंगे विचार करेंगे फिर आगे को देखेंगे। मेट्रो अभी आ रही है, आप कह रहे चले गई। हेलो जी, सो हम आ चुके थे रूम देख के, देन उसके बाद मुझे व्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि इतना थक चुके थे ना, क्या ही बताऊं। अगर आप लोग मुझे मेरे को पता, मतलब खैर क्या ही कहूँ, कुछ लोग एक तरफ हमें इससे अच्छा भी लेते हैं कि बहुत से लोग देख रहे हैं कि मतलब व्लॉग बहुत बोरिंग हो रही है, बट मैं ये कहूंगी कि दिल्ली में आके एक बार ना तुम दिन भर घूम के देखो, मान जाऊंगी तुम्हें, जो सर फटने वाली कंडीशन हो जा रही है ना इस गर्मी में दिल्ली की, क्या ही कहूँ फिलहाल तुम्हें आपसे। मैं दो दिन से मतलब मेरे हमारे चक्कर लग रहे थे फ्लैट वगैरह, ये सॉरी रूम वगैरह देखने के लिए, तो बहुत हालत खराब हो जाती। कल भी मैं जब बैठी मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक हो गया था, बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा कि मैं दवा वैसे इग्नोर करती हूँ, मैं चाहे कितना भी इग्नोर हो जाए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दवा ना लूँ, ये अपने आप ही ठीक हो जाए। तो कल यही सीन मेरे साथ हुआ, वहां से आने जाने दिन भर मेरे सर में दर्द था, रात भर मेरे सर में दर्द था, मॉर्निंग में उठी तो भी मेरे सर में दर्द था, फिर आज जाना था तो भी सर पे दर्द था, बट मैंने कहा क्या कर सकती हूँ, फाइनली मुझे दवा लेनी पड़ी। फिर सुबह मॉर्निंग में जब मैंने दवा ली, मेरा हेडेक थोड़ा कम हुआ, तो उसके बाद जाके हम गए थे, तो उसके बाद आके बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, बहुत जगह देखी हमने, देखते हैं अभी समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोनों हमारे डिस्कशन चल रहा है कि किसे फाइनल करना है किसे नहीं, क्या पता शायद आगे फिर हमने जाना पड़ेगा अभी। तो चलिए फिलहाल इसीलिए मैं ये बताती हूँ, हाँ तो बब्बू भी सो चुके हैं, हार के बहुत ज्यादा, 7:30 हो चुका है और मन तो नहीं कर रहा था कि खाना बनाऊँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर दूँ, बट फिर घर पे मैंने वैसे भी मेरी सब्जियाँ वगैरह रखी हुई है वो सब खराब हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाए देती हूँ जैसे कर भी हिम्मत जागर करके। तो चलिए मैं बनाती हूँ करेले, हर सैटरडे संडे के टाइम पे हमारे पास करेले ही बचे होते हैं, तो मैं करेले बनाती हूँ, थोड़ा आटा भी है, रोटी सब्जी बनाते थे, देखते हैं बब्बू को पराठे खाने का मन होगा तो पराठे बनाएंगे, वरना फिर रोटी बना देंगे, और आए लोग आपको बोरिंग लग रहा होगा तो चलिए मैं अभी का टाइम ज्यादा नहीं लेती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ अगर बब्बू उठ जाते हैं तो। गाइस बेब उठ गए हम खाना वो खा के भी आ गए उठ गए हम बाहर जाके भी आ गए, एक राउंड लेके भी आ गए हैं। तो जी आज करो करते हैं और कल मिलते हैं आपसे, कल के क्या है ऐसे क्या बोल के गए, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया बाबू, बकवास करवा लो तुमसे बस हो गया, इधर देखो चलो। तो जी चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं पे समाप्त, ये तो थक हार गए हैं इसलिए इनकी स्पीड कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। सो मिलते हैं आपसे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग पे, सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय माता दी।